महावेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच, एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर AK चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आप सबसे देखिए एक विशेष वार्ता करने के लिए, और विशेष वार्ता का शीर्षक बताऊं या थंबनेल बताऊं उससे पूर्व आपसे निवेदन करूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और देखिए मेरे इस प्रोग्राम को चाहे चंद्र राशि से देखें चाहे लग्न राशि से देखें, और दोनों में से कुछ नहीं मालूम तो नाम राशि से देखें। और मित्रों आप जो है अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और जाते जाते कमेंट में महागणेशाय नमः लिखिए, भगवान गणेश का आशीर्वाद पाइए। तो मित्रों अभी मैं देखिए क्या चर्चा कर रहा हूँ, मैं अभी जो देखिए वैसे तो नवंबर मास का अलग से मैंने भविष्यफल दिया है, हर राशि का दिया है, साप्ताहिक राशि फल भी दिया है, और हर राशि को डिटेल में समझा चुका हूँ। पर अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि अब नवंबर मास यानी अक्टूबर के एंड से लेकर के नवंबर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं वो कुछ राशियों को शायद विशेष लाभ दें इन जनरल। तो वो क्या कौन से ग्रह परिवर्तन हैं अक्टूबर के एंड में और नवंबर में, फिर दिसंबर की बात बाद में करेंगे, अभी नवंबर की कि वो कौन से ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं जो कि कुछ राशियों को विशेष लाभ दे सकते हैं। तो मित्रों देखिए सबसे पहले तो जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है वो 31 अक्टूबर की प्रातः इफेक्टिव है, 31 अक्टूबर से यानी 30 अक्टूबर की सुबह समझ लीजिए, 31 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे राहु और केतु का महान परिवर्तन। 18 साल बाद उस जगह जा रहे हैं राहु केतु, मीन राशि में राहु कन्या राशि में केतु, और 18 महीने के लिए, अभी 18 महीने से वो मेष राशि में राहु थे और तुला राशि में केतु थे, अभी ग्रहण व्रहण भी पड़े, केतु सूर्य ग्रहण पड़ा और 28 तारीख की रात को चंद्र ग्रहण राहु की वजह से पड़ा। तो अब राहु केतु दोनों बहुत दिनों से आप लोगों को सभी लोगों को तंग कर रहे थे, 18 महीने से कुछ राशियों को तो विशेष कष्ट दे रहे थे, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। और अब देखिए बृहस्पति जो राहु के चंगुल में थे वो चांडाल दोष खत्म हो जाएगा, और बृहस्पति बड़े स्वतंत्र अवस्था में आकर के युवावस्था में आकर के अपना पूरे अधिकार से आपको लाभ देंगे। तो एक तो परिवर्तन होगा 31 अक्टूबर की सुबह राहु और केतु का, मैं इसको नवंबर का स्टार्टिंग मानता हूँ। और देखिए अगला परिवर्तन जो है वो देखिए मैं मंगल का देखता हूँ पहले। तो मंगल चूँकि स्वामी है मेष राशि के जहाँ राहु बैठे हुए थे और बृहस्पति हैं, तो मंगल देखिए नवंबर में 16 नवंबर 2023 को थर्सडे बृहस्पतिवार को तुला राशि छोड़ करके वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। अभी तो मंगल सूर्य मंगल बुध और केतु तो चले जाएंगे छोड़कर, तीन ग्रह सूर्य मंगल बुध तुला राशि में बैठे हुए हैं। और देखिए केतु जब तक थे तब तक मंगल का विस्फोटक दोष बन रहा था, विस्फोटक दोष अच्छा नहीं था कुछ राशियों के लिए कुछ कंट्री के लिए, पर अब केतु भी स्थान परिवर्तन कर लेंगे तो मंगल खाली रह जाएंगे। पर मंगल 16 नवंबर को अपनी राशि यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। मंगल हालांकि देखिए भाव अच्छा नहीं है, भाव तो देखिए आठवां अब तक सातवें भाव में थे काल पुरुष की कुंडली के, अब अष्टम में आएंगे तो अष्टम भाव अच्छा नहीं है, लेकिन अपनी राशि है वृश्चिक राशि, तो मंगल वृश्चिक राशि में तो उच्च के हो जाएंगे, फिर अपनी राशि में आकर के तो खराब घर है तो क्या हुआ। तो मंगल 16 नवंबर को अस्त अवस्था में है, मंगल अस्त है तो अस्त अवस्था में अस्त ग्रह जो है थोड़ा कम फल देता है, फिर भी अपनी राशि में उच्च के होकर के मंगल अच्छा फल देंगे, कुछ राशियों को तो विशेष फल देंगे। और जैसे दूसरा जो है सूर्य जो है 16 नवंबर को मंगल और 17 नवंबर को सूर्य भी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, केतु छोड़कर वो केतु में थे, वो भी तुला में थे। और बुध जो है पहले ही 6 नवंबर को
वृश्चिक राशि में आ चुके हैं, तो तीनों ग्रह सूर्य मंगल बुध फिर वृश्चिक राशि में मिल जाएंगे। और अगला परिवर्तन देखिए, बुध का फिर होगा 27 नवंबर को, बुध धनु राशि में चले जाएंगे। तो बुध के दो परिवर्तन होंगे, 6 नवंबर को और 27 नवंबर को। 27 नवंबर को बुध जो है फाइनली जाएंगे कहाँ, धनु राशि में। और देखिए एक परिवर्तन और है, दो अच्छा नहीं, वो है शुक्र का परिवर्तन। शुक्र जो है 3 नवंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे, अभी तो सिंह राशि में है, तो 3 नवंबर को कन्या राशि में आ जाएंगे और 30 नवंबर को फिर वो तुला राशि में आ जाएंगे। तो शुक्र के भी जो 30 नवंबर को परिवर्तन होगा वो तो शुक्र अपनी राशि में आएंगे, धन भाव के स्वामी 30 नवंबर को तो तुला राशि में आएंगे, अपने धन भाव के स्वामी अपनी राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले 3 नवंबर को धन भाव के स्वामी जब कन्या राशि में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये परिवर्तन रहे ग्रहों के, मंगल शुक्र बुध सूर्य और देखिए राहु केतु, ये सब परिवर्तन मैं नवंबर में शामिल करता हूँ कि ये इतने ग्रह के परिवर्तन हो रहे हैं। तो कुछ राशियों को तो शायद विशेष लाभ दें, तो मैं ये चर्चा करता हूँ। देखिए कौन सी राशि है मेरे हिसाब से, तो देखिए मैं चार राशियों की बात करूँगा, केवल चार राशियाँ हैं जो अभी ये नवंबर के ग्रह परिवर्तन से, यानी राहु केतु मंगल सूर्य बुध और शुक्र, इन सब के परिवर्तन से चार राशियाँ विशेष लाभान्वित होंगी। उनमें सबसे पहली राशि देखिए स्वर्ण राशि है, जिसका स्वर्ण काल चल रहा है या स्वर्ण काल आगे भी चलता रहेगा, वो है मेष राशि। मेष राशि के लिए यह ग्रह परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त है, यानी राहु केतु का तो बहुत ज़बरदस्त पहले ही है, राहु हट गए तो बृहस्पति जो है चांडाल दोष से मुक्त हो गए, और बृहस्पति ने अपने पूरी ताकत से पहले भाव में बैठ करके, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नवें भाव में दृष्टि डाल करके संतान को, परिवार को, दाम्पत्य जीवन को, भाग्य को, सबको अच्छा फल दिया। तो पहली बात तो ये बृहस्पति बहुत ज़बरदस्त तरक्की देंगे, बहुत ज़बरदस्त धन लाभ देंगे, बहुत ज़बरदस्त संतान को सुख देंगे, संतान के काम में तरक्की दिलाएंगे और भाग्य वर्धन करेंगे मेष राशि वालों का। तो ये परिवर्तन जो है बहुत अच्छा है देखिए। और बाकी जो है केतु के साथ जो अब तक मंगल बैठे थे, यानी सप्तम तुला राशि में सूर्य मंगल बुध, ये मेन परिवर्तन है कि तारीखें अलग हैं, कोई 6 तारीख को, कोई 16 तारीख को, कोई 17 तारीख को। ये परिवर्तन होकर के तीनों ग्रह कहाँ आ गए, अष्टम भाव में आ गए, अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि में, मेष राशि के लिए अष्टम भाव में आ गए। तो अष्टम भाव में देखिए थोड़ा सा आप तीन तीन ग्रहों से आपको होशियार रहना है, एक तो कि चोट चपेट से बच के रहना है, बीमारी से बच के रहना है, उधर भी बीमारी उधर पीड़ा से बच के रहना है, पैरों में कष्ट हो सकता है, और सूर्य मंगल बुध तीनों ग्रह पर आपके धन भाव में दृष्टि जाएगी, जहाँ शुक्र की राशि है वृषभ। तो ये तीनों ग्रह अष्टम भाव से आपके छोटे मोटे धन का लाभ कराएंगे, जैसे शेयर मार्केट से, लॉटरी से, और आपका अचल संपत्ति जो संपत्ति हो सकती है पैतृक उससे, लेकिन उनकी दृष्टि जो धन भाव पर पड़ रही है, तो धन भाव पर दृष्टि पड़ने से मैंने मेष राशि को कंसिडर किया। ये तीनों ग्रह सूर्य मंगल बुध धन भाव पर देख करके आपके धन तो देना ही है इनको, क्योंकि शुक्र की राशि है और शुक्र धन के स्वामी हैं। देखिए तो और देखिए शुक्र जो है जब तक रहेंगे नीच के, यानी 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक कन्या राशि में, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है कि कन्या राशि यानी छठे भाव में, जब तो सिंह राशि में थे तो ठीक थे, पर कन्या राशि में रह करके थोड़ा सा छठे भाव में शुक्र थोड़ा बाद में बदस्ती जाएगी, तो धन के स्वामी हैं तो धन का खर्चा कराएंगे। मेष राशि वालों खर्चे से होशियार रहिए, नवंबर में आपको शुक्र जो है जब आ जाएंगे कन्या राशि में 3 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर यानी पूरा महीना मान लीजिए, तो खर्चा आपका ज़्यादा होगा, खर्चे से बच के रहिए, विदेश भाव से खर्चे के भाव पर
दृष्टि पड़ रही है, जहाँ के 12वीं राशि और राहु आ गए। राहु देखिए विदेश से धन भी दिलाएंगे, राहु दोनों काम करेंगे, धन दिलाएंगे भी और खर्चा भी होगा। केतु की दृष्टि पड़ रही है तो सॉरी मंगल की दृष्टि जो शुक्र की दृष्टि पड़ रही है जो छठे भाव से, जहाँ केतु भी आ गया, तो केतु भी आ गए तो केतु देखिए शत्रुओं को तो भगाएंगे, केतु शत्रु हंता है। और दृष्टि पड़ रही है 12वें में शुक्र की केतु की, जहाँ राहु हैं, राहु भी धन दिलाएंगे विदेश से, लेकिन देश में तो खर्चा करा सकते हैं आपका, तो आप खर्चा बढ़ेगा इसमें नवंबर में, खर्चे से होशियार रहिएगा, सोच समझ करके जो जरूरी खर्चा हो मेष राशि वालों वही खर्चा कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए वरना आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन शनि तो आपको लाभ भाव में बैठे हैं, वो तो लाभ देंगे ही देंगे थ्रू आउट, तो शनि आपको कृपा करेंगे, शनि के लाभ से शनि के धन से आप अपना संभाल लेंगे, शनि जो धन देंगे और बृहस्पति जो धन देंगे भाग्य वर्धन करेंगे, वो आपको धन की पूर्ति करेंगे। और तीन तीन के जो धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं सूर्य मंगल बुध, वो धन की देंगे। लेकिन शुक्र और राहु विदेश से और बीमारी से दवाइयों से इनसे खर्चा करा सकते हैं, आपका धन धन आएगा और खर्चा भी होगा, यानी खर्चे के लिए आपको धन तो मिलेगा तभी तो खर्चा करेंगे। तो देखिए ये रही आपकी मेष राशि, जो कि अभी नवंबर के महीने में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उससे लाभ पाएगी या थोड़ा बहुत हानि पाएगी। दूसरी राशि जो मैं समझता हूँ वो है देखिए कर्क राशि, कर्क राशि चौथे नंबर की राशि, उसके लिए देखिए आप जो बृहस्पति है जो राहु की घर है वो दसवें भाव में है, तो दसवें भाव में बृहस्पति अकेले रह जाएंगे, राहु चले जाएंगे भाग्य भाव में, तो दसवें भाव के बृहस्पति दसवें में बैठ करके अपना कार्य क्षेत्र में तरक्की, काम में आपको धन का लाभ, चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो सुख साधनों की वृद्धि, जो भी आप चाहेंगे सामान सब मिलेगा, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है तो सुख साधनों में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और कर्क राशि को मैं समझता हूँ बृहस्पति तो अच्छा लाभ देंगे देंगे, लेकिन राहु जो है अब कर्क राशि के लिए आ गए भाग्य भाव में, भाग्य भाव में राहु आ गए और वो बृहस्पति का घर है मीन राशि, तो बृहस्पति की ताकत मिलेगी, शनि की ताकत मिलेगी, तो राहु को कोई खराब काम नहीं करने देंगे, राहु अच्छे भाव बैठे हुए हैं नवे में, तो नवे भाव में बैठ करके अच्छा ही करेंगे, यानी भाग्य वर्धन करेंगे, भाग्य वर्धन करेंगे तो तीसरे पर दृष्टि जाएगी। तीसरे में जहाँ देखिए कन्या राशि में शुक्र आ जाएंगे और केतु आ जाएंगे, तो छठे भाव से यानी तीसरे भाव से छठी राशि कन्या राशि में शुक्र राहु की दृष्टि केतु की दृष्टि, तीसरे भाव से यात्रा कराएंगे, उनसे लाभ मिलेगा, दोस्तों से लाभ मिलेगा, समाज में लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, तो कर्क राशि के लिए भी ये देखिए अच्छा है। और सूर्य मंगल बुध तीनों ही आ जाएंगे वृश्चिक राशि में पाँचवें भाव में, पाँचवें भाव संतान का भाव, शिक्षा का भाव, प्रेम प्रसंगों का भाव, नौकरी का भाव, नौकरी संतान की नौकरी, संतान की शिक्षा का भाव। और छठे भाव में तो धनु राशि है बृहस्पति की, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है बहुत बढ़िया दसवें भाव से, तो छठवें भाव में आपका रोग रण से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और कर्क राशि वालों को पंचम भाव में चूंकि सूर्य मंगल बुध बैठ गए, और देखिए मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक, तो अपनी राशि में जब मंगल आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद तब से तो अच्छा ही अच्छा रहेगा, इसके पहले भी मंगल ये चौथे भाव में थे तो मंगल भूमि पुत्र कहलाते हैं, तो चौथे भाव के मंगल तो भूमि भवन वाहन से तो, और सूर्य भी हैं बुध भी हैं तो भूमि भवन वाहन से तो अच्छा फल दिला रहे थे दिलाएंगे, तो कर्क राशि वालों को तो मैं समझता हूँ ये ग्रह का चेंज, और ग्रह से पहले भी राहु को बृहस्पति को छोड़ दीजिए, बाकी ये छोटे मोटे सारे ग्रह अच्छा लाभ दिला रहे थे, सुख साधनों की वृद्धि करा रहे थे, और कार्य क्षेत्र से आपको तरक्की दिला रहे थे, कार्य क्षेत्र में आपको नौकरी में आपके सब साथी लोग जो हैं अच्छा सम्मान दे रहे थे, तो मैं समझता हूँ कर्क राशि के लिए भी बहुत अच्छा है योग ये। नवंबर में राशि का परिवर्तन, तीसरी राशि जो कि अच्छा लाभ पा रही है वह तुला राशि, तुला राशि शनि की अपनी राशि है तो शनि की कृपा होगी,
और बृहस्पति सम्मुख बैठे हुए हैं मेष राशि में, सातवें भाव में, बृहस्पति की लगन पर दृष्टि पड़ेगी। अब राहु से मुक्त हो चुके हैं तो लगन को बलवान बनाएंगे, लगन को धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक पूजा पाठ में, धार्मिक अनुष्ठानों में जातक भाग लेगा। और राहु देखिए आ गए छठे भाव में, तो राहु आपके बीमारियों से, रोग ऋण से मुक्ति कराएंगे, शत्रुओं से मुक्ति कराएंगे, शत्रु भाग जाएंगे बिल्कुल। और राहु की दृष्टि पड़ेगी बारहवें भाव पर, जहाँ केतु और देखिए शुक्र भी आ जाएंगे। तो जब शुक्र आ जाएंगे यहाँ पर 3 नवंबर, 3 नवंबर को छठे भाव में, बाद में फिर 30 नवंबर को आ जाएंगे लग्न में। तो जब लग्न में आ जाएंगे शुक्र, तब तो फिर अपनी राशि में, अपने घर में आ जाएंगे, फिर तो अच्छा फल देंगे, धन देंगे। धन काल पुरुष की कुंडली के धन के स्वामी हैं। और देखिए आठवीं राशि जो है, आठवें मतलब सात तुला राशि के लिए सूर्य मंगल बुध आठवीं राशि वृश्चिक राशि में है, धन भाव में है। तो अब तो देखिए, पहले तो मेष राशि के लिए तो धन भाव में दृष्टि पड़ रही थी अष्टम से, अब अष्टम राशि धन भाव में आ गई। तो सूर्य मंगल बुध धन भाव में बैठ करके तुला राशि वालों को तो खूब धन देंगे, धन धान्य देंगे, सुख देंगे। विदेश भाव से अच्छा, और छठे भाव से बारहवें से ठीक। और शनि जो है पंचम भाव में बैठ करके संतान को तरक्की, संतान का सुख बढ़िया। और देखिए बाकी तो बृहस्पति मैंने बताई दिया, सप्तम में व्यापार में तरक्की देंगे। और लग्न को देखेंगे तो लग्न को जातक को मोर धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक रुचि वाला, धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला। तो तुला राशि को भी मैं समझता हूँ ये 3 राशियाँ हो गई, मेष, कर्क और तुला। और देखिए एक राशि और है, चौथी राशि, जो कि अभी नवंबर में होने वाले ग्रह गोचरों से लाभ पा रही है, वो है देखिए मकर राशि। मकर राशि लग्न में 10वीं राशि और धन भाव में शनि, 11वीं राशि कुंभ राशि में। तो शनि अपनी राशि को मकर को धन धान देंगे, बड़ा अच्छा। और देखिए आपका शनि जो है तो एक दो तीसरी दृष्टि अब बृहस्पति में पड़ेगी, कहाँ पर, चौथे भाव में। तो बृहस्पति चौथे भाव में राहु से मुक्त हैं, और राहु जो है तीसरे भाव में है मीन राशि में। तो राहु जो है बृहस्पति बकरी है, तो उनको भी बृहस्पति राहु को भी सपोर्ट करेंगे, और शनि मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख से, तो आगे बढ़ते हुए अब राहु को सपोर्ट करेंगे। तो राहु तीसरे भाव से आपको परिश्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाएंगे, दोस्तों में अच्छा सम्मान दिलाएंगे। और बृहस्पति आपके दशम भाव को देखेंगे तो रोजगार में, व्यापार में, काम में, नौकरी में सर्दी आपको अच्छी नई नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति खुद चौथे भाव में बैठ करके दशम भाव को देख रहे हैं और राहु से मुक्त हो चुके हैं। और देखिए अष्टम राशि जो है स्कॉर्पियो, वो आपकी 11वें भाव में है। तो सूर्य मंगल बुध तीनों ही वहाँ पर सम्मेलन करेंगे, अलग अलग टाइम पे आएंगे। बुध 6 तारीख को आ जाएंगे मान लिया इस तरह से, और सूर्य फिर और बुध मतलब बाद में, सूर्य और मंगल, बुध तो 6 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन मंगल 16 को, सूर्य 17 को। तो अष्टम का मतलब होता है अष्टम राशि स्कॉर्पियो में 11वें भाव में। तो 11वां भाव लाभ का भाव है, तो सूर्य मंगल बुध तीनों ही नवंबर में, नवंबर के एंड तक जो मिलकर कोई ना कोई वहाँ पर लाभ देता रहेगा। लाभ का मतलब होता है भाई धन। तो मकर राशि को ये छोटे ग्रह सूर्य मंगल बुध धन देंगे। देखिए मैं मकर राशि का स्पेशल चर्चा अलग से करूँगा, मकर राशि और सिंह राशि का काहे का चर्चा करूँगा अलग से, जो मैं कल करूँगा वो क्या चर्चा करूँगा पहले बता दूँ, मैं वो चर्चा करूँगा मकर राशि स्पेशल, सिंह राशि स्पेशल। छोटे छोटे ग्रह शुक्र मंगल बुध सूर्य, इन सब की वजह से पूरी साल का कि किस राशि को, यानी सिंह राशि को और मकर राशि को कैसा फल देंगे, वो अलग से मैं बताऊंगा वीडियो। तो अभी तो मित्रों मैंने बताया नवंबर मास में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, उससे 4 राशियां यानी मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां विशेष लाभ पाएंगी, धन पाएंगी, सुख पाएंगी, संतान को सुख पाएंगी। मित्रों मित्रों मैं अब बिता लूँगा, पर आपसे निवेदन यही है कि आप जाते जाते
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और महागणेशाय नमः लिखेंगे, ओम गंग गणपते नमः लिखेंगे, भगवान गणेश आपको जरूर आशीर्वाद देंगे। मित्रों नमस्कार।